तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ेंगे। न्यूटन ने किसी भी वस्तु गर्म वस्तु के ठंडे होने में जो कूलिंग रेट है उसके बारे में अध्ययन किया, विभिन्न प्रयोग किए और विभिन्न प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि किसी गर्म वस्तु के विकिरण द्वारा शीतलन नियम है, अर्थात उसका जो ठंडा होगा वो कोई भी गर्म वस्तु ठंडी होगी वो विकिरण के द्वारा ठंडी होनी चाहिए। तो किसी गर्म वस्तु के विकिरण द्वारा शीतलन की दर उस वस्तु तथा परिवेश के तापमान के समानुपाती होती है, जबकि तापमान अलग हो। टेम्परेचर जो डिफरेंस है गर्म वस्तु और उसके जिस वातावरण में गर्म वस्तु लिखी हुई है उन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए, तापमान पर होना चाहिए। जब तापमान पर होता है उस समय यह न्यूटन का शीतलन नियम कार्य करता है, अर्थात इसका फॉर्मूला बनेगा शीतलन की दर इज प्रोपोर्शनल टू तापमान, अर्थात कोई भी गर्म वस्तु है उसकी कूलिंग रेट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस विद रूम टेम्परेचर। यहाँ शीतलन की दर इसका फॉर्मूला माइनस T/dT, माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि वस्तु ठंडी हो रही है, गर्म से ठंडी हो रही है, इसलिए माइनस T/dT। क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा के लिए है तो माइनस T/dT मीन्स कोई भी गर्म वस्तु के कूलिंग रेट विद टाइम इज प्रोपोर्शनल टू T-T0। टी यहाँ पर उस वस्तु का तापमान है जो गर्म है जिसकी हम कूलिंग रेट स्टडी कर रहे हैं, टी जीरो उसका कमरे का तापमान है जिस कमरे के तापमान में वह वस्तु रखी गई है और रेडिएशन के जरिए वो ठंडी हो रही है। तो माइनस T/dT इज प्रोपोर्शनल टू T-T0। जब हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं इक्वल टू साइन करेंगे तो हमें कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा माइनस T/dT इज इक्वल टू K T-T0। यहाँ पर शीतलन गुणांक है अर्थात कूलिंग कांस्टेंट है। तो इस प्रकार के न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु जिसका वातावरण के साथ तापमान बहुत अधिक नहीं हो और यदि वह विकिरण के जरिए ठंडी हो रही है केवल रेडिएशन के जरिए उसका हीट लॉस हो रहा है तो उसकी जो कूलिंग रेट है वो समानुपाती होगी उसके टेम्परेचर डिफरेंस के तापमान के वातावरण के साथ। लेकिन यह नियम कब एक्सिस्ट करता है, यह नियम एक्सिस्ट करता है जब ये तीन शर्तें हैं इनको फॉलो करते हैं तभी यह न्यूटन का शीतलन नियम एक्सिस्ट करता है। न्यूटन के शीतलन नियम की सीमा बंधन तीन इसमें शर्तें हैं जो फुलफिल होनी चाहिए तभी यह न्यूटन का शीतलन नियम लागू करेगा। पहला सीमा बंधन इसका वस्तु का वातावरण से तापमान अलग हो, कोई भी वस्तु जिसका उस वस्तु का जो टेम्परेचर है वह वातावरण के टेम्परेचर के साथ उसका जो डिफरेंस है टेम्परेचर डिफरेंस हुआ कम होना चाहिए। बहुत अधिक टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ये न्यूटन का कूलिंग नियम कूलिंग लॉ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा जो इसका सीमा बंधन है ऊष्मा की हानि केवल विकिरण से हो, अर्थात जो ऊष्मा जो हीट लॉस है ऊष्मा की हानि है वह केवल रेडिएशन के जरिए होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हीट का जो लॉस है वो विकिरण से हो सकता है, संवहन से हो सकता है, चालन से हो सकता है, लेकिन इस न्यूटन के शीतलन नियम में यह जो लॉस है हीट लॉस वह केवल विकिरण के द्वारा रेडिएशन के द्वारा ही होना चाहिए। तीसरी लास्ट और इम्पोर्टेंट जो शर्त है ऊष्मा की हानि काले तल कृष्णिका से होनी चाहिए। यह जो हम नियम पढ़ रहे हैं ये ब्लैक बॉडी के लिए है, इसलिए जिस वस्तु जिसका हम कूलिंग स्टडी कर रहे हैं जिसकी शीतलन की दर हम जानना चाह रहे हैं उसके जो बाहरी तल हैं वह काले रंग के होने चाहिए, ऊष्मा की हानि काले तल से होनी चाहिए। इस प्रकार यदि कोई वस्तु ठंडी हो रही है और इन तीन शर्तों को फुलफिल करती है तो वह न्यूटन के शीतलन नियम को फॉलो करेगी, अर्थात उस वस्तु को
अब हम न्यूटन के सूत्र नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने वाले हैं कि किस तरह से हम न्यूटन के इस नियम सीखने नियम को हम प्रायोगिक व्यवस्था के साथ कैसे हम स्वयं इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये हमारे अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के प्रायोगिक व्यवस्था अपने कॉलेज के अंदर भी उपलब्ध है, एप्रेटस हैं जिनको हम हर साल बच्चे इसके जरिए अपने प्रायोगिक व्यवस्था को स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। तो इसके वस्तु के प्रायोगिक सत्यापन सीखने नियम के प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक सबसे पहले खोखला बर्तन होता है, उस खोखले बर्तन के अंदर हमें तांबे का डिलीवरी मापी होता है। इस तांबे की डिलीवरी मापी को बाहर निकलता है काले रंग से पेंट की हुई होती है ताकि इसके अंदर से जो हीट लॉस होगा वो केवल काली सतह से हो और विकिरण के जरिए हो। तो एक ऐसा खोखला पात्र होता है पानी बहने की व्यवस्था होती है ताकि जब शीतलन हो तो पानी के बहाव के जरिए जो इसकी रेडिएशन से जो हीट लॉस हो रहा है उसको हम बाहर पानी के जरिए हीट को ले लेते हैं। कैलोरी मापी को इस बीच में खोखला पात्र होता है जहाँ पर लटकाया जाता है, नीचे इसके कुछ अलग और रखे जाते हैं ताकि उसका किसी भी अन्य सतह से डायरेक्ट उसका संपर्क कॉन्टेक्ट ना हो। इस कैलोरी मापी के अंदर हम कुछ लगभग वातावरण के तापमान से 20-25 डिग्री ऊपर की तरफ पानी को गर्म करके लगभग 2/3 इसमें पानी भर देते हैं और इस पानी को भरने के बाद ऊपर एगोनाइट का ढक्कन आता है जो कि कुचल होता है। उस एगोनाइट के ढक्कन की सहायता से इस कैलोरी मापी को इस खोखले उपकरण के अंदर हम लटका देते हैं। इसको इस प्रकार से ढक्कन की सहायता से लटकाया जाता है कि यह इसकी कोई भी सतह इस उपकरण में कहीं भी टच नहीं हो और साइड में कुछ अलग भरा पदार्थ भरा रहता है जिसके कारण इसका कहीं कॉन्टेक्ट ना हो और केवल विकिरण के द्वारा ही ऊष्मा की हानि होती रहे। जब हम इसको एक बार पानी से इसको भर के गर्म पानी से भर के इसमें एगोनाइट के ढक्कन से हम एक तापमापी जो है वो डालेंगे और इधर से एक स्फीयर विलोडक होता है जिसकी सहायता से हम पानी को लगातार हिलाते रहते हैं ताकि पानी की जो कूलिंग है वो लगातार एक जैसी होती रहे। अब जैसे ही हम इसमें गर्म पानी डाल करके टेम्परेचर की रीडिंग ले लेंगे और टेम्परेचर की रीडिंग के बाद फिर हम घड़ी स्टार्ट करते हैं और विथ टाइम लगभग 1 मिनट या 2 मिनट या आधे मिनट के डिजिटल अंतराल निश्चित समय अंतराल के बाद हम थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। इस प्रकार हम दो चीज़ें नोट करते हैं, समय और समय के साथ साथ तापमान। हम टाइम के साथ टेम्परेचर का एक साल्ट बनाएंगे और समय और तापमान के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमें एक कूलिंग न्यूटन कूलिंग लाकर हमें वक्र प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं करना है, पानी गर्म करके रखना है और उसकी कूलिंग रेट देखनी है विथ टाइम उसके टेम्परेचर को नोट करना चाहिए सारे में। और उसके बाद जब हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें इधर तापमान टी और इधर समय टाइम, जब हम एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर टेम्परेचर को प्लॉट करेंगे तो हमें एक इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इसे हम न्यूटन का शीतलन मापक कहते हैं। यह हमें प्राप्त होता है इस कर्व को हम कहते हैं न्यूटन का कूलिंग कर्व। इस न्यूटन के कूलिंग कर्व के ऊपर हमें इसमें दो ग्राफ बनते हैं एक्सपेरिमेंट में। पहला ग्राफ ये बना है न्यूटन का शीतलन वक्र और इस शीतलन वक्र की सहायता से हम एक दूसरा ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमें शीतलन की दर और तापमान के अंतर ग्राफ बनाना होता है। शीतलन की दर इधर और तापमान के संबंध में तो हमें एक ग्राफ प्राप्त होगा। कैसे ग्राफ प्राप्त करना है वो हम अभी देखते हैं इसके अंदर।
हर बिंदु के संगत हमें एक टेम्परेचर ले लेना ले लेना है, जिसको मान लिया इसको हमने ले लिया T1। अब T1 जो एक ए बिंदु के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, इससे कुछ ऊपर और कुछ नीचे, कुछ स्पेस लेंगे, वो स्पेस हमारा जो होगा वो होगा डेल्टा T1। इस डेल्टा T1 के बिंदुओं के संगत हमें पीछे टाइम चलता है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वन टाइम स्मॉल टी टाइम को डिनोट करता है, कैपिटल टी टेम्परेचर को डिनोट करता है। यहाँ हम डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा स्मॉल T1 अर्थात विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर का विथ टाइम अपन यहाँ पर सिंपल फिगर निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार मीडियम में बी के कोरस्पॉन्डिंग अगर हमारा टेम्परेचर है कुछ दूरी नीचे, इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा डेल्टा T2 और यहाँ हमें प्राप्त होगा डेल्टा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T1, डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T2, इस तरह से हम शीतलन की दर निकाल लेते हैं और इस शीतलन की दर में कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर T1 इसके अंदर डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T1 इसके संगत हमें तापमान होगा हमारा T1 - T0। यहाँ पर T0 जो है वो है कमरे का तापमान। इसी प्रकार नेक्स्ट डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T2 यहाँ T2 - T0 ये हमारा उस समय पानी का तापमान। तो इस प्रकार हम तीन चार सैंपल लेंगे ए बी सी डी के कोरस्पॉन्डिंग हम शीतलन की दर और उसका तापमान, शीतलन की दर उसका तापमान। जब इस प्रकार चार बिंदु हम लेंगे ए बी सी डी के कोरस्पॉन्डिंग और उनका जब हम ग्राफ बनाएंगे शीतलन यहाँ वाई अक्ष पर शीतलन की दर, एक्स अक्ष पर तापमान, शीतलन की दर और तापांतर के बीच जब हम बिंदु चार बिंदु प्राप्त करेंगे, उन चार बिंदुओं के कोरस्पॉन्डिंग जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वक्र हमें एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जो कि यह सीधी रेखा का ग्राफ जो होता है, अगर कोई दो वस्तुओं दो भौतिक राशियों के मध्य यदि एक सीधी रेखा वाला ग्राफ प्राप्त होता है तो उसका अर्थ होता है कि वो दोनों जो एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर जो राशियां हैं वो दोनों एक दूसरे की समानुपाती हैं। तो जब हम देखते हैं ग्राफ में शीतलन की दर और तापांतर के मध्य जो वक्र है वो एक सीधी रेखा है, तो इससे हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वो निष्कर्ष होता है कि शीतलन की दर समानुपाती है तापमान के, अर्थात कोई भी वस्तु की ठंडा होने की जो दर है कूलिंग रेट है वह उस वस्तु के वातावरण के साथ तापमान के समानुपाती है। यही हमारे न्यूटन का शीतलन नियम है। यह प्रयोग हम हमारे यहाँ स्टेट के अंदर इसके अंदर ये व्यवस्था अपनी जगह पर है और यहाँ हर साल उसको करवाते हैं। इस प्रकार से ये जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है, लेकिन यह जब प्रयोग हम करते हैं उस समय हमें कुछ शर्तें पालन करना जरूरी है। जैसे पहली शर्त हमारी थी कि एक तो इसमें वातावरण और वस्तु का तापमान का अंतर कम होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम मान सबसे पहले जो कमरे का टेम्परेचर T0 नोट करेंगे, तो T0 और इस गर्म पानी के तापमान में जो अंतर है वो अलग होना चाहिए, लगभग 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। तापांतर जो है लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। दूसरा एक अंतर जो है हीट लॉस और रेडिएशन से हो, तो इसको हमने हवा में निर्भर होकर किया है, इससे कोई भी हीट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, केवल विकिरण के द्वारा ही हीट लॉस हो रहा है। तीसरा
तस्लीमा वस्तु से